देव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। संकट के मुख में स्वयं को प्रवेश करना मूर्ख का स्वभाव होता है और सिंदूरा मूर्ख नहीं है, इसीलिए उचित तो यही होगा कि मैं कैलाश और उस बालक से उचित दूरी पर रहूं। प्रतीत होता है सिंदूरा ने कैलाश जाने का विचार त्याग दिया है। मुझे कुछ करना होगा इसके लिए। समस्या है तो समाधान अवश्य होगा। सिंदूरा इस समस्या का उपाय अवश्य ढूंढेगा, अवश्य अंत होगा उस बालक का। तब तक धैर्य रखो बुढ़िया सिंगिका, शांत रहो। बच गए। सूर्यदेव को मेरा नमन। आपके आने से तो एक नवीन दिवस का प्रारंभ हो गया है। अब तो कुछ कार्य करना होगा मुझे, किंतु मैं क्या करूं? अरे हाँ, मेरे खिलौने। बैठकर हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, है ना? मेरे प्यारे खिलौने, मेरे प्यारे खिलौने। पुत्र, माँ, प्रातः काल में माँ के शुभ दर्शन तो अत्यंत मनभावन है। अरे ये क्या पुत्र, निद्रा से जागृत होते ही पुनः खिलौनों से क्रीड़ा करने लगे। इनके साथ क्रीड़ा करने में तो मुझे बहुत आनंद आता है माँ। आइए ना, तुम्हारे साथ क्रीड़ा करूं। इसका समय कहाँ है पुत्र? मैंने तुम्हें बताया था ना, आज का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलो अभी अपने खिलौने छोड़ो, बहुत कार्य है आज। और सर्वप्रथम तुम्हें दातून करना है और फिर स्नान। दातून? ये क्या होता है माँ? तुम आओ तो सही, फिर तुम्हें बताती हूँ दातून क्या होता है। उचित है माँ, चलिए। ये तो बहुत मनोरम दृश्य है माँ। क्या प्रातः उठकर इस दृश्य का आनंद लेना ही दातून करना कहलाता है? कितने प्रश्न है तुम्हारे पास पुत्र, कैसे सबका उत्तर दूंगी? ये वृक्ष देख रहे हो, ये नीम का वृक्ष है पुत्र। इसकी छाल, पत्तों और फल में अनेकों औषधियाँ निहित हैं, जो हमारे शरीर को निरोग रखती हैं। और इसी की टहनी को दातून कहते हैं पुत्र। ये देखो, ये है दातून। प्रातः इसे करने से दंत और उसको आधार प्रदान करने वाले मसूड़े स्वस्थ रहते हैं पुत्र, और मुख को भी स्वच्छ करता है। देखो पुत्र, ऐसे। अब तुम करो। ये तो बहुत कड़वा है। हाँ पुत्र, कड़वा तो है, किंतु प्रतिदिन करोगे तो तुम्हें इसका अभ्यास हो जाएगा, फिर इतना कड़वा नहीं प्रतीत होगा। और इसका कड़वापन तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य की मिठास घोल देगा पुत्र। चलो अब बिना मुख सिकोड़े शीघ्र दातुन करो। अच्छा माँ, करता हूँ। आपका आदेश तो नहीं टाल सकता ना? पार्वती, तुमने हमें बुलाया? हाँ सखियों, अपने लाडले मेरे पुत्र को स्नान तो करवा दो। मौसी जी, आप मेरे पिछले स्नान को लेकर अभी भी कुपित हैं क्या? किंतु उसमें मेरा क्या दोष? मैं जल में कूदा तो पानी आप पर छिटक कर आ गया।
अच्छा, आज सावधानी से कूदूंगा कुंड में। असुर सम्राट सिंदूरा, आपके अधीन असुर साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है, किंतु अभी भी हमें अपने राज्य की सुरक्षा पर समुचित विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी बात है जिस पर तुम्हारी हंसी फूट रही है बुढ़िया सिंगिका? मंत्री जी, आप यहाँ से जाइए। इतना दुस्साहस मेरे असुर सम्राट सिंदूरा के मंत्री को प्रस्थान करने का आदेश देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जानती हो इसका परिणाम? क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है? प्राणों का संकट मुझ पर नहीं मंडरा रहा है, असुर सम्राट सिंदूरा। अत्यंत ही हास्यास्पद थी आपके मंत्री की चिंता। एक भयभीत और बलहीन असुर के साथ असुर साम्राज्य की सुरक्षा की चर्चा। सिंगिका! ऊंचे स्वर में चिल्लाने से कोई महाबली नहीं बन जाता असुर सम्राट। बरसने वाले मेघ गरजते नहीं हैं, और जो मेघ गर्जन करते हैं वो चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हवा का एक छोटा सा झोंका भी उन्हें उड़ा के ले जाता है। एक छोटे से बालक से भयभीत होने वाले असुर सम्राट की गर्जन भी उसी गरजने वाले मेघ के समान है, क्योंकि मेरे समक्ष जो ये सिंदूरा खड़े हैं, ये वो नहीं है जिन्होंने गज बुखासुर जैसे भयावह असुर को पराजित किया था। स्मरण कीजिए असुर सम्राट, स्मरण कीजिए। वो आप ही थे जिन्होंने केवल अपनी एक दृष्टि से भयावह गज मुखासुर को पराजित किया था। उसे पाताल के सिंहासन से हटाकर यहाँ के राज सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा दिया था। त्रिलोक विजेता हो गया, संपूर्ण सृष्टि केवल आपके नाम से थर थर कांपेगी। तब ऐसा प्रतीत हुआ था मुझे, किंतु आप स्वयं एक तुच्छ बालक से भयभीत होकर थर थर कांपने लग गए, और वो भी अर्ध बालक और अर्ध गज। उसके आतंक ने तेज कर दिया आपको, उस तुच्छ बालक से भयाक्रांत हो गए आप। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु वो सब खीर पकनी शेष है। यदि मैं यहाँ नहीं होती तो मेरी पुत्री पार्वती ये सब व्यवस्था अकेली कैसे कर पाती? माँ, माँ अभी तक आप तैयार नहीं हुई। आप भोग की चिंता मत कीजिए, पूजा और उत्सव के लिए मैंने उसका प्रबंध कर लिया है। तैयार हो जाऊंगी पुत्री, अब मैं बाहर जाकर वहाँ की व्यवस्था देख लेती हूँ। कोई सजावट नहीं, न कोई पुष्प, न कोई रंगोली, और ये गण तो ऐसे बुहार रहा है जैसे इसको किसी ने भारी दंड दे दिया हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु महादेव को तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है, अभी भी अपने ध्यान में ही मग्न है। माता, ये पुष्प कहाँ रखूं? यहाँ या कहीं और?
मैं कुछ बोलूं? पुत्री, मैंने सोचा था कि मैं आज कुछ भी नहीं बोलूंगी, किंतु पूछना तो पड़ेगा ना कि यहाँ कोई सजावट क्यों नहीं है, ना कोई मंडप, ना तोरण और ना ही पुष्पों की लड़ियां, कुछ भी नहीं है ना माता। आप तनिक भी चिंता ना करें, हमने समुचित व्यवस्था कर ली है। देखिए ये गण कितनी तत्परता के साथ इस स्थान को स्वच्छ कर रहा है। बस वो होते ही हम दोनों इन पुष्पों से इस स्थान की सजावट कर देंगे। नंदी, आज सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि इस उत्सव के लिए यहाँ पधार रहे हैं और तुम इतने ही पुष्प लेकर आए हो। किंतु माता, देवी देवता तो प्रतिदिन महादेव के दर्शन के लिए आते हैं, उनके आगमन पर हम कभी भी कैलाश को पुष्पों से नहीं सजाते। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु आज कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है, पार्वती नंदन के नामकरण का उत्सव, भव्य उत्सव। पुत्री पार्वती, तुम्हारी छठी और नामकरण के समय सारा राजभवन चमक धमक से जगमगा उठा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे हीरे और अन्य रत्न जड़ दिए गए। इतना भव्य उत्सव था, ऐसी सजावट कि जिसे आज भी विस्मय से स्मरण किया जाता है। किंतु यहाँ देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ भी विशेष होने वाला ही नहीं। कितने से पुष्पों से सजेगा ये भवन? शांत हो जाइए माँ, चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, ये उत्सव मेरे छठी और नामकरण संस्कार से भी अधिक भव्य होगा। नीलकंठ, सुत के जन्मोत्सव के लिए सज रहे कहीं सुमन कहीं जले दिए, नीलकंठ पंछी सिंहराज की लहरी सज्जित कैलाश कर रहे हैं सभी, रंगोली तोरण और पुष्प लड़ी गण प्रसन्न मैना अचंभित खड़ी, सारे जीव पूर्ण सामर्थ से व्यास कार्य में सृष्टि जुट गई समस्त। मेरे पुत्र के छठी और नामकरण संस्कार का उत्सव, इसमें तो संपूर्ण प्रकृति झूम उठे, वो ही उत्सव की संपूर्ण व्यवस्था करे, ये तो मेरी प्रबल इच्छा थी। माँ, मेरे पुत्र, मेरे मंगल मूर्ति, देखा माँ, आपके पुत्र ने स्नान कर लिया, स्वच्छ हो गया मैं। इतनी सजावट, वाह माँ, हमारा भवन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये फल तो बहुत ही सुंदर है माँ, स्वादिष्ट भी होंगे, अब तो इन्हें खाना ही होगा। रुको पुत्र, क्या हुआ नानी जी, आपने मुझे रोक क्यों दिया? इतना उतावलापन उचित नहीं, पूजा के भी कुछ विधि विधान होते, आज तो तुम पूजा संपन्न होने के बाद ही भोजन प्राप्त कर सकोगे। हाँ पुत्र, नानी माँ उचित कह रही है, आज तुम मेरी अनुमति मिलने तक कुछ भी नहीं खाओगे, समझ गए ना? हाँ माँ, समझ गया मैं। माता, अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो गया है। ओ
भूल रही हो बुढ़िया सिंगिका? वो बालक महादेव और देवी पार्वती का पुत्र है। और आप भूल रहे हैं असुर सम्राट सिंदूरा, या फिर ब्रह्मदेव के पुत्र है, जिन्होंने स्वयं अपने पिता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को भी भयभीत कर दिया था। क्यों ना मैं आपको ही अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं कि आपकी ये दी हुई शक्तियां प्रभावी है भी या नहीं। उचित कह रही हो तुम सिंगिका, ब्रह्मदेव का श्राप है तो क्या हुआ, उनका वरदान भी तो प्राप्त है मुझे। अपनी भुजाओं में भरकर मसल के रख सकता हूँ अपने शत्रु को मैं, शत्रु के मस्तिष्क पर नियंत्रण पाकर उसका अंत कर सकता हूँ मैं पुत्र हूँ ब्रह्मदेव का, और वो तुच्छ बालक मेरा सामना नहीं कर सकेगा, वध करूंगा मैं उसका। नंदन का जन्म महोत्सव साक्षी होने को आए देव गंधर्व, बाल मुनि सप्त ऋषि गण भी सारे, सपत्नीक ब्रह्मा विष्णु भी पधारे। नभ से उतरते वाहन सुसजित, कैलाश सज्जित व पूर्ण व्यवस्थित, नंदी श्रृंगी प्रेत तोतला सब गण, अगुआई अभिनंदन करके प्रसन्न। जया एवं विजया व मैनावती, भूप हिमावंत साथ द्वारे खड़ी। ये है वो बालक, ये तो इतना छोटा और दुर्बल है, मैं व्यर्थ चिंता कर रहा था।
सभी देवता है यहाँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम मामा जी विष्णुदेव, मामी जी देवी लक्ष्मी, कल्याण हो पुत्र, फूफा जी ब्रह्मदेव, बुआ जी देवी सरस्वती, आपको भी प्रणाम। आप सभी अतिथिगण यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए, ये मेरा परम सौभाग्य है। देवराज इंद्र भी है, आपको भी मेरा प्रणाम। जैसे पुष्प की सुंदरता कोई हर नहीं सकता, वैसे ही कांटों को कोई सुंदरता कैसे दे सकता है। व्यर्थी हो रहा है ये आयोजन। बालक और उनके माता पिता अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम छठी का संस्कार होगा, बालक की बुआ उसे काजल लगाएगी। अब बालक का नामकरण होगा। अरे अरे, उससे पूर्व मुझे नेक लेना है बालक के पिता से। क्या अब हम नामकरण की विधि प्रारंभ कर सकते हैं? मेरे पुत्र को नाम प्राप्त होगा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा। बालक की कुंडली प्रस्तुत की जाए। कुंडली? एक बार किसी प्रकार ये बालक मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं अपने प्राणों के संकट से मुक्त हो जाऊंगा। हमें बालक के नाम का प्रथम अक्षर प्राप्त हुआ है। अब ब्रह्मदेव वो अक्षर देवी सरस्वती को बताएंगे।
पुत्र के नाम का प्रथम अक्षर है ग, 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 निकला है, ग से नाम प्रारंभ होगा। और अब महादेव हमारे पुत्र को इस अक्षर से प्रारंभ होने वाला नाम देंगे। कोसिकत्मोसिकस्यासी को नामासी यस्य ते नामा मन्महीयं त्वा सोमेनादि त्रिपां भूर्भुवस्वः सुप्रजा प्रजाभिः स्यातं सुवीरो वीरः सुपोषपोषः ॐ कोऽसि कद्मोऽस्येषोऽस्य मृतोऽसि आहस्पत्यं मा संप्रविश गजानन 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 तुम गजानन हो पुत्र गजानन बालक त्वमायुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूया। भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर बालक के नाम की घोषणा कर दो, जिससे सभी को महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का नाम ज्ञात हो जाए। आप सबको मेरा प्रणाम। देवगण, अब विधियां संपन्न हो चुकी हैं। हम देवताओं को यहां से प्रस्थान करना चाहिए। अब यहां रहकर कोई लाभ नहीं है। बालक का तो मैं अभी यही अंत कर सकता हूं। बस एक बार ये मुझे अकेला तो मिल जाए। इस प्रसन्नता की घड़ी में आप सभी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए, धन्यवाद स्वरूप। मैं स्वयं आप सभी का मुख लड्डू से मीठा करवाऊंगी। अर्थात और विलंब होगा हमारे प्रस्थान में। बहुत सुंदर नाम मिला है बालक को। हाँ, गजानन को सुनने में भी कितना अच्छा है। मुख तो अवश्य मीठा होना चाहिए। इतने आनंद की बात जो है, आज है इतने आनंद का अवसर। भूख के कारण मेरा उदर अब ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। मुझे भोजन चाहिए माँ। माँ किधर गई? इतने सारे स्वादिष्ट फल, इन्हें ही खा लेता हूं। अब ये बालक एकाकी कहां जा रहा है?
अब मैं इन्हें खाऊंगा। अरे ये किसकी परछाई है? देवी पार्वती, हर्षोल्लास के इस वातावरण में आप हमें मत भूल जाइएगा। गजानन को नाम मिलने की प्रसन्नता में हमारा मुख भी मीठा करवाइए। यहाँ से शीघ्रता से जाना चाहता हूँ। ये देवी शची को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये कौन है? मुखमंडल सौम्य है किंतु नेत्र ऐसे है जैसे ज्वाला धधक रही हो उनमें। जो भी है विचित्र है। विचित्र गजमुख बालक है ये, इसीलिए दुर्बल ही होगा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। उचित कहती थी बुढ़िया सिंह का, व्यर्थ ही चिंतित था मैं इसे लेकर। पल भर में मिटा दूंगा मैं इसे। एक बार किसी प्रकार ये बालक मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं अपने प्राणों के संकट से मुक्त हो जाऊंगा। कौन है आप और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके मन में अनेकों विचार आकार ले रहे हो मुझे देखकर? तुम्हारी मृत्यु हो मैं ये तुम्हें अभी ज्ञात हो ही जाएगा, किंतु उसके पूर्व तुम्हें यहाँ से हटाने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। कौन हो सकते हैं ये? मिल गया मुझे उपाय इस बालक के ध्यान को भटकाने का। ओ, तो आपकी भी दृष्टि इन्हीं फलों पर है। देखिए ना कितने फल हैं यहाँ, किंतु चुनाव करना कितना कठिन हो रहा है। मेरे मन में बस यही विचार आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि मैं लाल फल चुनूं या हरा। अब क्या करना है उसका निर्णय तो लेना ही होगा ना? पर मैं निर्णय ले चुका हूँ मूर्ख बालक, किंतु तुम्हें कुछ भी चुनने की छूट नहीं दूंगा मैं। मेरे आदेश का पालन करोगे और हरा फल उठाओगे। हरा फल। बनोगे तुम मेरे जीवन में? नहीं बालक, इसका तो एक ही परिणाम है, मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु। चलो उठाओ हरा फल और चलो मेरे साथ, उठाओ शीघ्र। देवी पार्वती, किसका स्वर था ये? किसने पुकारा मुझे? देवी वजनी, शनि देव, शनिदेव ने पुनः यहाँ आने का साहस कैसे किया? ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। नहीं है। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता।
संकोच का कोई स्थान नहीं है अब। तुम्हें वही फल उठाना होगा जिसका चयन मैं कर चुका हूँ। उठाओ हरा फल, उठाओ बालक। प्रतीत होता है अब ये बालक पूर्णतया मेरे वश में है। अब इसे मैं मृत्यु के मुख तक ले जा सकता हूँ। किंतु आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप कौन हैं। ये तो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात इसका मन मेरे नियंत्रण में नहीं। अच्छा आप बताइए ना, आप तो अवश्य मेरे नामकरण के उत्सव में भाग लेने आए होंगे, है ना? आपके यहाँ आने के लिए धन्यवाद। देखिए ना, मैंने तो अपना फल चुन लिया, किंतु उसका क्या लाभ? किंतु जब तक मुझे माँ अनुमति नहीं देती तब तक मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? इसे दुर्बल मानकर इसकी शक्ति को कम आंकने की भूल तो नहीं कर बैठा मैं। इस पर तो मेरी सम्मोहक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। माता, माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ी कठिनाई से मैं यहाँ आपके समक्ष आकर क्षमा मांगने का साहस जुटा पाया हूँ। माते मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो मुझे उसी रात्रि दंडित कर दिया था माते, जिसके कारण आज तक मेरा पाप पीड़ा से ग्रस्त रहता है। माता है आप, और माता का हृदय तो अत्यंत विशाल होता है, अपनी संतान की अनेक भूलों को भी क्षमा कर देता है। तो आज अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के दिवस क्या आप मुझे क्षमा दान नहीं देंगी माते? हम पर उपकार आपने किया, मेरे स्वामी को क्षमादान का उपहार दिया आपने, जो मेरे और स्वामी के लिए वरदान के समान है। मैं तो बस गजानन को यही आशीष देना चाहती हूँ कि सभी अनिष्ट उससे सदा दूर रहे, कोई भी संकट उसके समीप आने से पूर्व ही नष्ट हो जाए, यही मेरी मंगल कामना है गजानन के लिए। किंतु कहाँ है मेरा पुत्र गजानन? अतिथि सत्कार में इतनी व्यस्त हो गई कि बहुत समय से उसे देखा ही नहीं। देवी पार्वती, कोई और भी है जो आपसे भयभीत? कौन कौन भयभीत है मुझसे भ्राता श्रीहरि? वहां देखिए, बालक मेरी बात सुनो और स्वीकार करो। अब तन और मन दोनों से तुम मेरे नियंत्रण में हो। बालक चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो बालक। हाँ उचित है, आगे बढ़ो बालक, बढ़ो आगे, चलो मेरे साथ। चलो बालक। शक्ति ने मुझे जगा कर जड़ कर दिया है। तनिक भी नहीं हिल पा रहा हूं मैं, और शक्ति लगा कर देखता हूं। कौन है भयभीत मुझसे भ्राता श्रीहरि?
ध्याता नारायण, वो तो देवश्री नारद है ना, वहां क्यों छिपे हैं? यहाँ क्यों नहीं आते? उन्हें मुझसे क्या भय? क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से पूछ ले। देवश्री नारद, यहाँ आइए, देवी पार्वती आपसे कुछ पूछना चाहती है। नारायण, कहां फंसा दिया आपने मुझे? यदि सत्य जानकर माता पार्वती को क्रोध आ गया तो मैं क्या करूंगा? देवश्री नारद ने तो मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, फिर वो मेरे समक्ष आने में क्यों भय कर रहे हैं? देवश्री, आपके मन में जो भी विचार निसंकोच होकर देवी पार्वती से कहिए। आप क्यों? नारायण, नारायण। देवर्षि, भय का त्याग कीजिए और अपने मन के विचार देवी पार्वती से कह दीजिए। वो मैं माता, मैं आपसे छुपते छुपाता फिर रहा था, आपके समक्ष आने का साहस नहीं जुटा पा रहा था माता, क्योंकि क्योंकि माता। क्योंकि क्या देवश्री? आपको मेरे समक्ष आने में इतना भय क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा दोष है मेरा माता। अधिक समय तक देखने का कौन दे रहा है सुझाव? क्षण भर के लिए देख लीजिए, यही है नारद का भाव। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि, इसमें कहाँ घूमने वाली है सृष्टि। मैंने ही शनि देव को अपने शब्दों के जाल में उलझा कर किया भ्रमित, और कैलाश आकर आपके पुत्र का मुख देखने के लिए किया प्रेरित। अपना पांव तक नहीं उठा पा रहा हूं मैं, क्या करूं अब? हाँ हाँ, उचित है, उचित है, उचित है। ये तो स्वर मेरा था, किंतु मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो मेरे स्वर में मेरे शब्द मेरे मस्तिष्क में कौन दौड़ा रहा है? कौन बुन रहा है ये माया जाल? उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात, ये किस अदृश्य शक्ति ने घेरा है मुझे, जिससे मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी भेद नहीं पा रहा हूँ, जिसने मुझे यहाँ जड़ बनाकर अपने ही शब्दों की गूंज को सुनने के लिए विवश कर रखा है? उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात, तुम गजमुख बालक, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो लगा कि आप कहीं जा रहे हैं। ये कोलाहल, ये शोर, ये स्वर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा बालक? बंद करवाओ इसे। बंद करवा दो? ये सब हमारे अतिथि हैं, और अतिथि तो देवता समान होते हैं, और जब देवता ही अतिथि हैं, उनका तो और भी आदर करना चाहिए ना? तो मैं उन्हें वार्तालाप करने से और हंसने से कैसे रोक सकता हूँ? किंतु मैं इस उत्सव के स्वरों को शांत नहीं करा सकता। उचित है, सर्वथा उचित है। मुझे इस बात का ज्ञात है कि मैंने भूल की है बहुत, किंतु मैं आपसे विनती करता हूं माता, कृपया मुझे दंडित ना करें। हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं। जिसे आप एक भूल कह रहे हैं, उसने शूल बनकर भेद दिया था मेरे हृदय को, ऐसा आघात दिया था जिसकी पीड़ा मैं भूल नहीं सकी। पिता और पुत्र के मध्य भीषण युद्ध करवाने का कार्य किया था आपकी इस भूल ने। मुझे ज्ञात है माता,
मेरे कारण कितना अनित हुआ है, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु मैंने जो भी किया माता, उसमें मेरा हेतु केवल केवल जगत कल्याण था। जगत कल्याण में तो हमारा भी कल्याण निहित। उत्तर दीजिए मुझे, आपके इस कृत से जो कष्ट हमें पहुंचा है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? मैं, किंतु मैं वो किंतु अंत भला तो सब भला। आज के इस आनंद उत्सव में मैं आपको दंड नहीं दूंगी देवश्री, आप भय मुक्त हो जाए। नारायण नारायण। किंतु प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, ये मत भूलिए देवश्री। व्यक्ति का कोई भी कर्म, उसकी कोई भी भूल नियति कभी नहीं भूलती। अपने कर्मों का परिणाम तो सभी को भुगतना होता है देवश्री। आपकी इस भूल के कारण एक समय ऐसा आएगा जब आप भी अपने पिता ब्रह्मदेव का विरोध करेंगे और अपने पिता के विरोध जाना आपके लिए शुभ नहीं होगा देवश्री। मैं आपको दंडित नहीं करूंगी। किंतु नियति न्याय अवश्य करती है और ये नियति का न्याय होगा। हे माता, कृपया बताएं मुझे कि क्या होगा, कैसे होगा। यदि आप मुझे इस बात का संकेत दे देती तो मैं सावधान हो जाता। माता, नियति का न्याय निर्धारित होता है, इतना तो जानते हैं ना आप देवश्री। जो भी होगा भयंकर हो, किंतु वो आपके समक्ष समय आने पर ही आए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मस्तिष्क में विस्फोट होने वाला है। ये कोलाहल मुझे प्रताड़ित कर रहा है बालक। अवश्य दिव्य है ये बालक और अनेक दिव्य शक्तियों का स्वामी है, किंतु इसे इसका भान भी नहीं। मैंने अपनी शक्ति से इसको तब मोहित करने का प्रयत्न किया, किंतु विचार का जो वार मैंने इस पर किया वो तो उल्टा मुझ पर ही पड़ गया और मैं यहाँ जकड़ कर रह गया। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है सिंदूरा। मुझ पर दया करो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए ये क्रीड़ा मुझे नहीं भा रही है। आप गिर क्यों गए मेरे समक्ष? ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे मैंने आपको कुछ किया हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही गिर गए यहाँ और ऐसे चित्कार कर रहे हैं। ये स्वर जो मेरे मस्तिष्क के भीतर गूंज रहे हैं, मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये अंत कर देंगे मेरा। इन्हें रोक दो। आपके मस्तिष्क में कुछ है जिससे आप इतने विचलित हो रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं अभी निकाल देता हूँ इसे। सुन जी, आइए इनकी पीड़ा दूर करते हैं। अरे सोनजी के ऊपर ये मक्खी कहाँ से आ गई?
हो ना? माँ वो मुझे क्षमा। तुम्हें क्या क्या हुआ था पुत्र तुम्हें? माँ आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। देखिए सकुशल खड़ा हूँ आपके समक्ष। बस एक छींक आ गई थी मुझे। और हाँ एक कोई थे यहाँ, वो मुझे घूर घूर कर देखते रहे। फिर उनके सर में पीड़ा उठ गई। मैंने उनकी सहायता करने का प्रयत्न किया किंतु छींक आ गई। फिर तो उनका रूप ही परिवर्तित हो गया माँ। ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो। और यहाँ कैलाश में गौरी क्या हुआ? गजानन कुशल तो है? स्वामी एक असुर था यहाँ और हम उसे पहचान नहीं सके। गजानन पर घात लगाए बैठा था। कौन हो सकता है वो असुर स्वामी? असुर और यहाँ कैलाश में? असंभव। ये मात्र इस बालक की कल्पना से अधिक और कुछ भी नहीं है। देवी पार्वती आप चिंता मत कीजिए। वो जो भी था अब चला गया है। और अच्छी बात तो ये है कि वो गजानन का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सका। महादेव कदाचित तब तक कैलाश की सुरक्षा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जब तक गजानन थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। माता इसी पल से मैं और अन्य सभी गण बालक गजानन के समीप रहेंगे। सदैव उन पर दृष्टि बनाए रखेंगे। आप चिंता ना करें। आज उसका कोई अनिष्ट नहीं हुआ इसीलिए शांत हो जाओ। यही सुझाव है ना आपका भ्राता श्री हरि नारायण? देवी लक्ष्मी किंतु कैसे? सभी संकटों से संतान की रक्षा करना तो एक माँ का कर्तव्य होता है। संकट मुख खोले खड़ा तो मैं उससे मुख कैसे मोड़ लूं? मेरे पुत्र का कोई अहित हो उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि तब कुछ करने का भी क्या लाभ होगा। शांत नहीं रहूंगी मैं। ब्रह्मदेव सेवाधिदेव महादेव का निवास कैलाश है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित यहाँ सुरक्षा में कोई कमी नहीं। कमी है तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध में, जिसके कारण चंद से ही मेरे पुत्र के जीवन पर कोई ना कोई संकट छाता रहा। सुनिए सब, जब तक मैं अपने पुत्र गजानन की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत नहीं हो जाती मैं अपनी चिंता नहीं त्याग सकती। चंद के कुछ समय पश्चात स्वयं उसके पिता महादेव के त्रिशूल ने उसके शीश को उसके तन से विलग किया। फिर उसे एक नवीन शीश एक गज का ही मिल सका। और आज यहाँ आप सभी की उपस्थिति में एक असुर ने यहाँ आकर मेरे पुत्र पर घात लगाने का साहस किया तो फिर भविष्य में कौन सा अज्ञात संकट किस रूप में उस पे टूटेगा ये किसे ज्ञात है? माता जो भूतकाल में हो चुका है उसका विचार कर स्वयं को कष्ट देना उचित नहीं, और जो हो ही नहीं सकता उसकी कल्पना कर उसकी चिंता करना और भी कष्टदायक हो सकता है। माता इस सुर सभा में किसी असुर का प्रवेश करना असंभव है, और हमारे पास यहाँ किसी असुर के होने का प्रमाण भी नहीं। इसलिए संभव है कि इस बालक ने अपनी कल्पना से कोई गल्प कर लिया। देवी पार्वती आप गजानन की माँ हैं, आपका उनके लिए चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु आप हम पर विश्वास कीजिए। हम सभी गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। उनके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। भूतकाल में काल के प्रकोप को भूलने की बात कर रहे हैं देवरा? प्रमाण चाहिए आपको। देखिए गजानन का गजन और स्मरण कीजिए।
ये मुख उसे किस लिए देना पड़ा? ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। ये उसके प्रारब्ध का ही प्रमाण और प्रमाण चाहते हैं आप? तो सुनिए, एक माँ का हित अपनी संतान पर आए छोटे से छोटे संकट को भी भाप लेता है। मेरी आशंका निराधार नहीं, मैं उसकी सुरक्षा के प्रति अस्वस्थ नहीं हूँ ब्रह्मदेव। हमें उसकी सुरक्षा के प्रति कुछ और करना ही होगा। देवी पार्वती, तो फिर आप क्या चाहती हैं? ये स्पष्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप श्री हरि नारायण और महादेव मेरे पुत्र का प्रारब्ध परिवर्तित कर दें, उसे देवत्र प्रदान करें। क्षमा करें माता, किंतु मैं आपका ये प्रस्ताव समझने में असमर्थ हूँ। क्या केवल होलीनाथ और आपके पुत्र होने मात्र गजानन को हम देवता के पद पर स्थापित कर